हेलो फ्रेंड्स, एमएक्स कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें इस टाइप का अगर फोर लाइन का अगर नोटबुक बनाना हो तो हम एमएस वर्ड के अंदर कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को स्टार्ट करना होता है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे ना, तो हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। उसके बाद से हमें यहाँ पे पेज सेटअप करना होता है। तो यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट पे और यहाँ पे मार्जिन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से कस्टम क्लिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे टॉप बटन और लेफ्ट राइट दिया हुआ है, इसमें 00 कर देंगे। यहाँ पे 0 करेंगे और टैब प्रेस करेंगे और इस पर 0 भी करेंगे और इस पर 0 करेंगे और इस पर 0 करेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। उसके बाद से जब ओके करेंगे तो हमारा कर्सर देखेंगे यहाँ पे शुरुआत पे चला गया है। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे कि हमें जो फोर लाइन लेना है वहाँ तक ले हम कर्सर को लाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम कर्सर को लाएंगे और उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम तीन टेबल लेंगे। देखिए दोस्तों, और तीन टेबल लेने के बाद उसके बाद से हमें ऊपर वाले को रीड करना है। तो हम जाएंगे यहाँ पे रीड लेंगे और उसके बाद से यहाँ से बटन पेंटर लेंगे और इसको ऐसे जूमिंग करेंगे कंट्रोल के साथ, तो ये हमें यहाँ से रीड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रीड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर और इसे ऐसे रीड कर देंगे। यहाँ पर फिर से क्लिक कर लेते हैं रीड पे और यहाँ पर जाएंगे और ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीड कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे रीड कर लेंगे। उसके बाद से हम नीचे वाले को रीड करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे वाले को भी हम रीड कर लिए। उसके बाद से हमारा इतना काम हो गया है दोस्तों। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो फोर लाइन दिया हुआ है इस पर हम सिलेक्ट करेंगे और इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल स्पेस प्रेस करेंगे। यहाँ पे कर्सर लाकर, सबसे नीचे कर्सर लाकर यहाँ पे डबल एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद से कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो हमारा ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद से हम फिर डबल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से भी प्रेस करेंगे। फिर से यहाँ पे डबल एंटर करेंगे और भी करेंगे। फिर से यहाँ पे डबल एंटर मारेंगे और फिर से कंट्रोल भी करेंगे। फिर से यहाँ से डबल एंटर मारेंगे और भी कर लेंगे और फिर से यहाँ से डबल एंटर करेंगे और यहाँ से कंट्रोल भी कर लेंगे और फिर से यहाँ से डबल एंटर करेंगे और भी कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इतना हमारा काम हो गया है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पे शुरुआत में जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से हम ऐसे ड्रैग करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे ड्रैग करेंगे और अपने अनुसार इसे सेट करके और इसका आउटलाइन कर देते हैं हम रेड और इसका जो शेप कलर है वो हम यहाँ से नो फिल कर देते हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ना, तो एक हमें डुप्लीकेट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे हम जाएंगे रोटेट पे और यहाँ से 90 डिग्री पे जाएंगे और यहाँ पे इसको लाकर यहाँ से सेट कर लेंगे और उसके बाद से नीचे ड्रैग करेंगे और ऐसे इसे नीचे खींच लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे नीचे लाएँगे इसे और यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। उसके बाद से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएँगे फिर इंसर्ट में और यहाँ पे शेप्स पे जाएंगे और यहाँ से हम ये शेप ले लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे यहाँ पे इस शेप लेंगे और यहाँ पे इसका आउटलाइन कर देते हैं रेड और यहाँ से इसका शेप फिल कर देते हैं नो। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट पे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और यहाँ से ड्रो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं हम डेट, यहाँ पर डेट लिख लेते हैं और ऐसे ऐसे प्रेस कर देते हैं और फिर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे पेज नंबर और ऐसे ड्रैग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे इसका आउटलाइन कर देते हैं नो फिल और इसका भी आउटलाइन कर देते हैं नो फिल और इसे ऐसे ड्रैग करेंगे और इसे होम टैब में जाएंगे और यहाँ से इसे रेड कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लाकर यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे, हमारे पास एक फोर लाइन का नोटबुक बनकर तैयार हो गया है। अगर आप भी ऐसे अगर एमएस वर्ड का ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।